यूट्यूब चैनल बेस्ट एंड फो फॉर यू में खुश आमदेद। इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ये मोबाइल तंदूर भी आप इसे कह सकते हैं, यानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली अंदर ये लोहे की एक शीट है और बाहर से जो बॉडी आपको नज़र आ रही है स्टील की बनी हुई है, तो उस तंदूर नुमा शीट और इस बॉडी के दरमियान में मखसूस किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो टम्परेचर है वो अंदर ही रहता है तंदूर के, और उसे एक उसका एक फ़ायदा ये भी है कि बाहर जो बॉडी है वो कम से कम गर्म होती है। और इस में सबसे जो एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इसके साथ आप एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछा कि 10 किलो ग्राम अगर आप गैस इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपको नज़र भी आ रहा है, तो इससे तकरीबन 3 से 3.5 मन आटे की रोटियां आसानी से पका सकते हैं 2.5 से 3 घंटे के अंदर। एक अच्छी चीज़ है, पहले मुमन ये होता था कि अगर किसी घर में कोई शादी या आगामी खुशी का यानी कोई मामला बन जाए तो उसमें अमूमन कुछ अर्से पहले तंदूर बनाने पड़ते थे और फिर उन पर रोटियाँ वगैरह लगती थी। तो उस चीज़ का फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने कहीं पर होटल बनाया हुआ है तो आप शिफ्ट होते हैं, तो आप आसानी से इस चीज़ को वहाँ से उठाएंगे और अगली जगह पे चले जाएंगे। अच्छी चीज़ है, पायदार चीज़ है। तो रेट वगैरह मैंने पूछा था, वो कह रहे थे तकरीबन 50,000 के लगभग ये चीज़ तैयार हो जाती है। और ये जो तैयार हुई, ये फैसलाबाद में एक दोस्त हैं तो वो साहब ये चीज़ें यानी तंदूर बना के दे रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो एक अच्छी चीज़ थी, तो इसलिए आप दोस्तों से शेयर किया। तो जो दोस्त चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना, ताकि इस किस्म के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मेरी कोशिश होती है कि अमूमन रूटीन से हट के जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं तो उनका हल्का सा आपको तारुफ दिया जाए, ताकि कारोबारी लिहाज से भी आपको उनसे फ़ायदा उठा आप उससे फ़ायदा उठा सकें, और इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो कि हर रोज़ काम के अंदर किस तरीके से जिद्दत आ रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।